कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस बार भी नहीं पहुंची एसपी संगीता कालिया, मंत्री अनिल विज हुए नाराज। विधायक रोहिता रेवड़ी द्वारा कब्जे की शिकायतों पर मंत्री ने लिया कड़ा संज्ञान, निगम आयुक्त को सुनाई खरी खरी, कहा अगली बार दे पूरी रिपोर्ट। रोहिता रेवड़ी की महावीर कॉलोनी में हैंड फैब लिविंग फर्म के मालिक द्वारा कब्जे की शिकायत पर विज ने निगम आयुक्त को कहा कि अच्छा वकील कर करे पैरवी। मावटी के रहने वाले किसान की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। पहली बार कष्ट निवारण समिति में सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक ने की कब्जे की और अधिकारियों की शिकायत, शहर की पूरी मीडिया रही मौजूद, विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी भी पहुंचे। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं, मोबाइल की एक बड़ी रेंज, फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत, फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट, नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है, अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं, फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है, मैं हूं आंचल काद्यान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस बार एसपी संगीता कालिया नहीं पहुंचे। पत्रकारों से मीटिंग के दौरान एसपी ने कहा था कि वो मीटिंग में आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह एएसपी को भेज दिया, जिससे मंत्री नाराज दिखे। पानीपत सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करीब एक घंटा लेट पहुंचे। खास बात यह रही कि इस बार भी एसपी संगीता कालिया नहीं पहुंची। अनिल विज ने आते ही संगीता कालिया के बैठक में न आने का कारण पूछा, लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। अनिल विज साथ में बैठे परिवहन मंत्री किशन लाल पवार और अधिकारियों की तरफ इशारा कर पूछा कि एसपी क्यों यहां नहीं होना चाहिए था। विज एसपी के न आने से बहुत नाराज दिखे। शिकायत नंबर दो में अनिल विज पुलिस के रवैये से भी नाराज हुए। एएसपी चंद्रमोहन की जांच पर सवाल उठाते हुए फिर दोबारा एसपी को बैठक में न होने का इशारा किया। आपको बता दें कि फतेहबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनिल विज और संगीता कालिया का विवाद हुआ था, तभी से वे दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए। गौरतलब ये है कि इससे पहले पत्रकारों के साथ मीटिंग में एसपी संगीता कालिया ने कहा था कि वो इस बैठक में जरूर पहुंचेंगी। आपकी एसपी कहां है? कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता कर रहे मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया। पहली ही शिकायत में तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। पहली शिकायत गांव मावटी के रहने वाले ओम सिंह की आई। शिकायत में लिखा गया था कि उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है और उसके पास एक एकड़ जमीन थी। कुछ लोग उसके पास आए और उसे कहा कि इस एक एकड़ जमीन पर उसे कॉलेज बनवा देंगे और जमीन का सौदा 85 लाख रुपए में कर दिया, जो कि इन दोषी गणों ने उसे नशीले पदार्थ खिलाकर व पिलाकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। तहसीलदार ने उसे यह भी नहीं पूछा कि उसके पास पैसे आए या नहीं। दोषीगण मुझे कहते रहे कि हम पैसे दे देंगे, बाद में उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसका मुकदमा नंबर 285 है। दोषीगणों ने इकोनॉमिकल सेल इंस्पेक्टर वीरेंद्र को 10,000 रुपए दिए, सीओ रणधीर सिंह को 20,000 रुपए उसके घर दिए व डीएसपी के रीडर जगमोहन को उसके घर जाकर 20,000 रुपए दिए। प्रार्थी ऐसे ही घूमता रहा, लेकिन पुलिस की ओर से दोषीगणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ सुमालखा ने दोषी गणों व उसको आमने सामने बिठाकर 19 लाख रुपए दिलवाने के बारे में कहा, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, और बाद में कहा कि हम तेरे पैसे दिलवाने के लिए
नहीं बैठे हैं, हमें भी पैसे चाहिए। दोषी गणों के खिलाफ सख्त सर कार्रवाई की जाए, उसकी जान माल की सुरक्षा की जाए। अनिल विज ने इस पर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। नहीं मिले तो जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करो। तहसीलदार का ये पार्ट ऑफ ड्यूटी होता है कि वो इंश्योर करे कि पेमेंट हो गई है, तब डिस्ट्रिक्ट कराता हूँ। पूछता हो कि आपको पैसे मिल गए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट करवा। इसका मतलब ये पांचों आदमी मिले हुए हैं। विधायक रोहिता रेवड़ी भी कब्जे की दो शिकायत लेकर मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचे। विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी भी अधिकारियों की शिकायत लेकर सचिवालय में पहुंचे। कुल 17 शिकायतों में से दो शिकायतें शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी की भी थी। 5 और 6 नंबर की शिकायत नगर निगम उपायुक्त से संबंधित थी। जैसे ही रोहिता रेवड़ी का नाम लिया गया, पहले तो वो मुस्कुराई, फिर माइक में बोलने लगी, लेकिन माइक नहीं चला। विज ने शिकायत सुनी, निगम युक्त को कड़ी फटकार लगाई और आदेश जारी कर दिए कि अगली बैठक में उन्हें पूरी स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। पार्षद हरीश शर्मा ने भी कहा कि कोर्ट को गुमराह कर जमीन शर्मा बंधुओं ने अपने नाम करा ली है। कॉलोनी के लोगों ने विज से शिकायत की कि पार्किंग के नाम पर उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। मंत्री ने फौरी तौर पर निगम उपायुक्त को पार्किंग बंद करने के आदेश जारी किए। आप इसमें लगा सकते हो, आप आदरणीय मेहमान हो, पर आपने यहाँ लगाने से पहले प्रशासन से की है बात इसके बारे में? एक्चुअली डीसी मैम की नॉलेज में है। अच्छा जी, पहले ये लगाई जाए या नहीं लगाई जाए? अशोक नगर डीसी कैंप का जी, अशोक नगर डीसी कैंप का मैटर है। हाँ जी, हाँ जी। कॉलोनी वासियों ने मुझे ये रिटर्न में कंप्लेंट दी थी कि वहाँ पर 628 पर गज का एक टुकड़ा है जहाँ पर कब्जा किया गया है। 628 उसमें से 453 पर गज का जो टुकड़ा है जिसका दूसरा नंबर 4442 और 51 नगर निगम पार्क किसका है? नगर निगम से और हमारे कॉलोनी कैसे कट गई है? हमारी कॉलोनी कैसे कट गई? 50 साल से जो है वो पार्क है, 50 साल से जब उसकी होगी उनने वो पार्क दिखाया उसी पर देख रहा कैसे है वो नजर नहीं आता। फिर बार बार कब्जा अब चार दीवारी की हुई है, पीछे पार्किंग है, 1400 रुपया पार्किंग से ले रहे हैं, आगे दुकानें बनाई हुई हैं, अपने ताले लगाए हुए हैं, दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता। मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी वाले को कहते हैं कि भैया 1400 रुपया लगेगा, गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। दोनों MC हमारे साथ आए हुए हैं, पूरे पीछे प्रशासन ने पीछे भी पूरा DC साहब ने भी लिखा था कि ये पब्लिक पार्क है, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं रही। ADC साहब, बाकी सारे डिपार्टमेंटों की आप मदद लो और इसकी पूरी इंक्वायरी करो, जो भी होगा अगली मीटिंग में रिपोर्ट सबमिट करो। विधायक रोहिता रेवड़ी की दूसरी शिकायत नगर निगम के आयुक्त से संबंधित थी। महावीर कॉलोनी में संदीप जैन द्वारा कब्जे की शिकायत पर मंत्री ने कहा, निगम अपना वकील कर पैरवी करे। जब रोहिता रेवड़ी की शिकायत पर संज्ञान लिया जा रहा था, तब उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि वो कुछ बोले नहीं, उनके समर्थक ही महावीर कॉलोनी की जमीन पर कब्जे के बारे में मंत्री को बताते रहे। काफी देर तक इस मामले पर बहस होती रही। इसी दौरान मंत्री को बताया गया कि हैंड फैब बिलिंग फर्म के मालिक संदीप जैन इस मामले को कोर्ट तक ले जा चुके हैं। तभी मंत्री ने निगम उपायुक्त को आदेश दिए कि निगम वकील कर इस मामले की पैरवी करवाए और साथ ये भी कहा कि कोर्ट से संबंधित केस समिति में ना लाए जाएं। 23 मार्च को कंप्लेंट कर ली थी, इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपील करी 5 तारीख को, 5 महीने 23 तारीख को,
फिर इन्होंने तब भी मेरे को कोई जवाब दिया, मैं जब गया वहाँ पे तो बैंड खोली गया, आपका तो जवाब देना भेज दिया, मैंने मेरे पास कोई मैडम तो कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, किसी को कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद उससे पहले मेरे पास एक फोन आया, कहने लगा मेरे केस मित्र बोल रहा हूँ, मैं तू बाहर को कराने वाला है और तूने यहाँ कैसे लगा दी कंप्लेन, तू मिस्टर लग रही है ऐसे, मेरे पास फोन नहीं है सर उसकी, लोगों ने एक सदीप जैन तो बैठ गया, उन्होंने भी मेरे से बात करी, मैं कहा मैं पाकिस्तान का थोड़ा हूँ भाई साहब, मैं भी देख लिया कहूँगा पानीपत का वासी, मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा तुमने मेरे को लाड़ के डिली करी, कह लगे आप बिल्लू एक बारी और आपसे बैठ के थोड़ी बात होगी, मैं आप कर लेंगे आप करेंगे, आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आपकी इलीगल एनक्रोचमेंट है, तो उसके एवज में सर वो कोर्ट में चला गया है, उस 22 तारीख लगी थी और दो साल लगी हुई सर डेट उसमें, बाकी मैं मौका विजिट करके आया सर, उसकी फैक्ट्री है आमने सामने और बीच में जो रास्ता है वो काफी कम से कम 20-25 साल से उसी कब्जे में, 20-25 साल से किसी ने कब्जा कर रखा है तो क्या इसके आधार पर वो जाहिर हो जाता है? नहीं सर, मैं बार बार ये आप बात करते हो कि 20-25 साल से उसका कब्जा है सर, मैंने तो आप के साथ नहीं सर, मैं तो 25 तारीख को आते ही मैंने तो नोटिस दिया उसको, कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, रिपोर्ट दीजिए, मैंने आपकी कार्रवाई शुरू करती सर और आज मौके पर विजिट करके आया हूँ, तो मैं तीन फैक्ट बता रहा हूँ सर, लेकिन हमने नोटिस दे दिया है उसके वजह से कोर्ट पर गया सर, मैंने जो सर मैंने वो लिया उसके राजस्व रिकॉर्ड से, उसमें भी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि उनको रास्ता नहीं है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था आपके ऊपर, तो कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बैठक में इस बार पानीपत की पूरी मीडिया पहुंची, क्योंकि पहली बार किसी विधायक ने कष्ट निवारण समिति में अपनी शिकायतें दी थी। कब्जे की दो शिकायतों को लेकर शहर में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई थी। अशोक नगर के रहने वाले शर्मा बंधु शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी पर 1 करोड़ रुपए के पैकेज के आरोप लगा चुके हैं। आज इसी को लेकर मीडिया पर पूरा सजो सामान लेकर सचिवालय में पहुंची थी। मंत्री ने रेवड़ी की शिकायत सुनने के बाद 11 और शिकायतें सुनी। इसी दौरान परिवहन मंत्री किशन लाल पवार, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, जिला अध्यक्ष के अलावा कई नेता और अधिकारी उपस्थित रहे। 5 लिए 1 पंप बैलेंस, 1 पंप के लिए 5 लेना कहाँ तक जाता है? अरे ब्रह्मा जी, अरे कलर जी, अरे 5 लिए 5 समस्या 9 लिए है, 9 लिए, 9 लिए सर, 5 समस्या वाले 9 लिए हैं। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत, नमस्कार।